हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि श्रीवास्तव फ्रॉम बीएसआई एकेडमी। मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ अबाउट द क्रैश कोर्स। हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस क्रैश कोर्स में। मैं आपके साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंट्स, टैक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, ऑडिट, स्टैटिक्स, रीजनिंग्स वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शंस होंगे वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हम इस क्रैश कोर्स में आपके कुछ लाइव क्लासेस लेंगे जिसमें मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और कुछ अलग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और वो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप अपने इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने। आई होप आपको मेरी लास्ट 4 वीडियोस पसंद आई होंगी और हम फर्दर आगे क्वेश्चंस के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट एंड इशू ऑफ न्यू लोन्स एंड ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। का ऑप्शन आपका है, द गवर्नमेंट एंड द डिप्टी गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताना पूछना चाह रहा है कि इस दोनों एक्सप्लेनेशन से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरबीआई है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो कि सारे बैंक को कंट्रोल करता है। आज हमारी करेंसी कितनी है, क्या रेट्स चल रही है, क्या नहीं है, ये सब कुछ हमारा आरबीआई ही डिटरमाइन करता है। सारे बैंक की क्या पॉलिसीज होना चाहिए, क्या रेपो रेट्स होना चाहिए, क्या क्रेडिट पॉलिसीज होनी चाहिए, ये सारी की सारी पॉलिसीज वगैरह आरबीआई ही डिटरमाइन करता है। ये एक बोन है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट एंड इश्यू ऑफ न्यू लोन्स एंड ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी वर्क होता है वो आरबीआई करता है। कितना किस बैंक को अमाउंट देना है, कितनी रेपो रेट रखनी है, कितनी बैंक रेट रखनी है, कितनी लोन रेट रखनी है, ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है और बैंक्स को उनके अकॉर्डिंग बताता है। आरबीआई इंटरेस्टेड होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट के मैनेजमेंट के लिए एंड इश्यू ऑफ न्यू लोन्स और नए लोन्स को इश्यू करने के लिए या ट्रेजरी बिल्स को ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इसके बिहाफ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नर एंड द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर या फिर डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई के, वो अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये दोनों स्टेटमेंट है तो करेक्ट, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। पहले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए, पहले स्टेटमेंट में हम ये डील कर रहे हैं कि आरबीआई किस लोन से डील कर रहा है, कितना डेप्ट आ रहा है, वो कहाँ कहाँ से उसको कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। लेकिन हम दूसरे स्टेटमेंट में डील कर रहे हैं कि गवर्नर या डिप्टी गवर्नर जो रिजर्व बैंक के हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है। तो दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट है, हम दोनों को सिमिलर एस्पेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो करेक्ट दोनों है, लेकिन हमें वो चीज ढूंढनी है जो सिमिलर हो। ए भी करेक्ट है, लेकिन आर हम लोग अब कोड देखते हैं। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये हमारा कोड सही नहीं है। ए एंड बोथ बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो हमारा सही से ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट्स कल अलग हैं। एक ए अजर्शन एक अलग पार्ट पर है जबकि आर अजर्शन एक अलग पार्ट पर है, तो दोनों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है जबकि दोनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। बट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ऑब्वियस बोथ आर करेक्ट बट आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए एंड आर बोथ आर नॉट करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है। ए एंड बी दोनों ही आर दोनों ही करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ए एंड बी दोनों के दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ए और आर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों 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 ही अलग अलग एस्पेक्ट के हैं। एक वहां एक एस्पेक्ट डील करता है कि आरबीआई फंड्स कहाँ से रेज कर रहा है, कैसे रेज कर रहा है, वहीं दूसरा उसके मैनेजमेंट से डील कर रहा है। तो दोनों में कोई भी
सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए आर फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी। डिजिटलाइजेशन, सबसे पहले हम जानते हैं डिजिटलाइजेशन क्या होता है। डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मनी या करेंसी। आज के टाइम हम ये देख रहे हैं पेटीएम या फिर ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये हमारा डिजिटलाइजेशन में आता है। यानी कि अब जो पहले का टाइम था कि जो भी था कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश में ही पेमेंट होगा, कैश में लोग रिसीव करेंगे, फिर चेक में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे सब चीजें इलेक्ट्रिकली होती चली गई। अब जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से पेमेंट कर सकते हैं, आप एक अकाउंट हो दूसरे अकाउंट में ट्रांसमिट कर सकते हैं बड़े इजीली, दैट इज डिजिटलाइजेशन। फाइनल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एज वेल एज आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें पैसे लेना है या इन्वेस्ट करना है, वो दोनों आपस में मीट करते हैं और जिसे जो सर्विसेज लेनी होती है, उसको जो देनी होती है, वो आपस में मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टेंसेस वो डील करते हैं। डिमोनेटाइजेशन का लेकर आया गया मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 8 नवंबर 2016 में। इसका मतलब था मनी ट्रांजेक्शन जो भी आपके हैं उनको मेनली करेंसी को बंद करना, जिन करेंसी से हमारा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है या टेररिज्म का भी क्रिएशन हो रहा है, मतलब जो भी चीजें हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं उस करेंसी को बंद करना, जिससे भी हमारा मेन ब्लैक मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है उस करेंसी को बंद करना। डीमोनेटाइजेशन यानी कि मॉनेटरी टर्म्स को एक अलग ही टर्म्स पर डील करना। माइक्रो फाइनेंस में हम लोग देखते हैं छोटी सी छोटी जगह पर फाइनेंस करना, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, बहुत छोटी जगह पर, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। तो डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी। डीमोनेटाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हटा सकता है या रिमूव कर सकता है, स्ट्रिप कर सकता है लीगल स्टेटस करेंसी का। तो करेंसी जो भी है, 100 की थी, 500 की थी, 2000 की थी, जो भी थी, वॉट एवर दैट इज एट दैट टाइम, ये डीमोनेटाइजेशन के कारण चेंज हो गई है। डिमोनेटाइजेशन ये भी करेंसी में डील करता है, हमें पहले क्या करेंसी थी, हमें क्या करेंसी लॉन्च करनी है, दैट ऑल अबाउट डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीआई। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मतलब एक ऐसा ट्रस्ट जो कि लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को ला रहा है और उनको कंपनीज की यूनिट्स में, इक्विटी यूनिट्स में, प्रेफरेंस यूनिट्स में, डिबेंचर्स यूनिट्स में उनका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सारा का सारा वर्क देखता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कि कंपनी सही वर्किंग कर रही है, जो भी उसने रेट ऑफ डिविडेंड डिटरमाइन किया था वो पे कर रही है, शेयर होल्डर्स को कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, जो भी उसकी यूनिट्स थी वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सही तरीके से ट्रेड कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई इंसिडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही कंसिडर करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीआई, इनमें से यूटीआई का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। टू मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी बाय ऑफरिंग सेवर्स दैट ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफ द सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस जो यूटीआई है वो सेविंग्स, कम्युनिटी की सेविंग्स को लेता है, सेवर्स को उनकी सेफ्टी देता है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस यूनिट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उनकी प्रॉफिट के लिए होगा। जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है, टू चैनलाइज द पूल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव आउटलेट्स, जो भी उनकी सेविंग्स आ रही है उनको ले रहा है और प्रोडक्टिव आउटलेट्स में देता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट है टू प्रोवाइड फाइनेंस अंडर हायर परचेज फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस टू इट्स मेंबर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंस अंडर हायर परचेज फाइनेंस। लेकिन हायर परचेज का मतलब हुआ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड हाउसिंग फाइनेंस टू इट्स मेंबर, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि हायर परचेस में वो डील नहीं कर रहा है, ना ही फाइनेंसिंग दे रहा है अपने मेंबर्स को। टू गिव एवरीवन अ चांस टू इंडायरेक्टली ओन शेयर्स इन सिक्योरिटी इन लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्ट कंपनी, ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यूटीआई का। वो लोगों से पैसा ले रहा है और उन्हें प्रोवोक कर रहा है कि वो
सिक्योरिटीज में, कंपनीज की सिक्योरिटीज में, यूनिट्स में इन्वेस्ट करें। इससे नई नई कंपनीज को भी, नई नई कंपनीज बॉर्न हो रही हैं क्योंकि लोग ट्रस्ट कर सकते हैं यूटीआई पे कि हाँ हमारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो वो सेफ है। लेकिन वो कभी भी फाइनेंस, हायर परचेज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस नहीं दे रहा है अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा कॉर्पोरेशन बैंक जो कि हमारे इंडिया का पूरा फाइनेंस से डील करता है, सारी सारी डिफरेंट चीजों को, सेट बी यूटीआई वगैरह को जो भी बैलेंस कर रहा है, या फिर जो भी हमारी कंट्री की मेन इकोनॉमिक ग्रोथ को जो बैलेंस कर रहा है, दैट इज IFCI। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है IFCI का? टू ऑफर बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स इन द वाइडनिंग प्रॉस्पेरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टेडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल सेक्टर, टू सर्व एज अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री विद कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स पर्टिकुलरली इन दो सर्कमस्टेंसेस इन विच अ बैंकिंग अकोमोडेशन इज एप्रोप्रिएट और रिसोर्स टू कैपिटल मार्केट इज इम्प्रैक्टिकेबल। फोर्थ वाला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ। IFCI का मेन वर्क होता है मीडियम या लॉन्ग टर्म असिस्टेंस देना उन इंडस्ट्रीज को जो कि अभी बॉर्न अप नहीं हो पाई हैं, या फिर उन्होंने डेवलपमेंट की जरूरत है उन इंडस्ट्रीज को, या फिर न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज को, या फिर जो इंडस्ट्रीज अभी वेल सेटल्ड हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ऑल फर्निश्ड होना है जिससे हमारी कंट्रीज की ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो और फ्यूचर ग्रो करें, तो जो IFCI बैंक होता है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टर्म फाइनेंसिंग रेफिनेंस फाइनेंशियल इंक्लूजर और वेंचर कैपिटल। सबसे पहले हम इन सबके टर्म्स जानते हैं। टर्म फाइनेंसिंग, टर्म फाइनेंसिंग का मतलब हुआ फाइनेंस देना थोड़े ही टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हमने फाइनेंस किया, दैट इज टर्म फाइनेंसिंग। रेफिनेंस का मतलब हुआ, रेफिनेंस का मतलब हुआ एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को लोन्स देना, उनके डेब्ट्स को माफ करना जिससे वो लोग दोबारा से बूमअप हो पाए और दोबारा से डेवलप हो पाए और उनकी ग्रोथ हो अच्छी तरीके से, दैट इज रेफिनेंस। दोबारा से रिफाइन करना, हम लोग क्या बोल सकते हैं जो अगर दोबारा से रिफाइन हो रहा है, दैट इज रेफिनेंस। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिनको इन्वेस्टर्स वगैरह या फिर जो भी अदर लोग होते हैं जिनको उनकी सर्विसेज की जरूरत होती है वो लोग आपस में मीटअप करता है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल एक नया बिजनेस है आज के टाइम में। वेंचर कैपिटल जो भी वेंचर कैपिटल में लोग क्या करते हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट कोई इंसान होता है जो कि डेवलप हुआ, जिसने एक वेंचर कैपिटलिस्ट डेवलप किया, उसने लोगों से पैसा रेस किया, अलग पैसा रेस किया और उसने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जिससे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आए और वो अर्निंग उसने लोगों को वापस करी, मतलब लोगों की सेविंग्स को जो अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरी डिवोटेड टू एक्सपोर्ट्स। ये फोन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरी डिवोटेड टू एक्सपोर्ट्स। गुड्स इंपोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म, बट गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट्स इन एंड ई पी जेड
are expected to have undergone same some value addition by manufacturing processing. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है. Assertion A में आ रहा है export processing zone वो अलग है free trade zone से as it promotes units primary development for exports. ठीक है, export processing zone और free trade zone में दोनों में ये डिफरेंस है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होता है वो केवल एक्सपोर्ट पर्पस के लिए डेवलप किया जाता है. जो वहां पे ऐसी चीजें ऐसी यूनिट्स बनाई जाती हैं जो केवल एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होती हैं. और फ्री ट्रेड जोन का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, जो फ्री में वर्क फ्री जस्ट फ्री वर्क करता है, वहां पे गवर्नमेंट के कोई लीगल रूल्स नहीं होते हैं, वहां पे टैक्स नहीं लगता, ऐसी जगह जो होती है वो फ्री ट्रेड जोन बोलते हैं बोली जाती है. सेकेंड हम लोग वो पढ़ते हैं आर इसका जो रीजनिंग का जो है, गुड्स इम्पोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग. जो भी गुड्स हमने जो फ्री ट्रेड जोन में कराया हुआ है वो वापस भेज दिया जाता है, री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. जो भी हमने इम्पोर्ट कराया है उसे कई बार हमारी कंट्री ऐसा करती है गुड्स कहीं से बाहर से मंगाती है और उसको वापस से एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट कर देती है बिना प्रोसेस किए हुए इन द सेम फॉर्म उसी उसी तरीके से. बट गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट्स इन Export processing zone are expected to have undergone some value addition by manufacturing and processing. Manufacturing and processing. दोनों का basic difference ये है कि export processing zone में mainly जो भी हमारे goods आ रहे हैं वो कुछ changes किए जाते हैं. जैसे हमने कहीं से भी किसी भी और country से कुछ भी import कर रहे हैं कोई भी goods, तो हम उन्हें minor या कुछ major changes करके उन goods को वापस भेज देंगे. लेकिन फ्री ट्रेड जोन में हम लोग उनपे जैसे कि जैसे जिस फॉर्म में हमने उन्हें मंगाया हम उसी फॉर्म में उनको वापस कर देंगे. ये डिफरेंस दोनों का है. अब हमारा आंसर है ए इज करेक्ट एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि दोनों ही सिमिलर है और आर ए को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल.